गुड मॉर्निंग जी। आज हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हुई है 3 बजे। 3 बजे क्यों? क्योंकि अगर आप हमारा पहले वाला ब्लॉग देख रहे होंगे तो पता है आज हमारा सी सेक्शन का डेट है। आज लेबर एंड डिलीवरी का टाइम है। हम ब्रश करके बात वगैरह लेके रेडी हो गए। 6 बजे जो है हम लोग को हॉस्पिटल में बुलाया गया है। बच्चे लोग देख सकते हैं यहाँ पे सोया हुआ है और मैं हो गई हूँ बैग वैग लेके पैक करके रेडी, और छोटू सा बैग अपना तैयार करके जो हमको नीडेड है वो लेके निकल दिए हैं। अभी पार्किंग में आ गए हैं। पार्किंग में कार पे सामान रखेंगे और निकलेंगे। बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। अभी मॉर्निंग अच्छे से नहीं हुई है। लालिमा जो है आसमान में दिख रही है। सूर्य भगवान अभी नहीं निकले हैं। थोड़ा सा जो है नर्वसनेस है, थोड़ा सा टेंशन है। आधे घंटे नैप लेने के बाद तो यहाँ पे जो है अभी रात के 10 बज गए हैं। हमारा 8:20 में जो है ऑपरेशन ख़त्म हो गया था। तो अभी जो है फर्स्ट वॉक के लिए मेरे नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सबके हाल। मैं हूँ सुप्रिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मॉम एंड बेबी रिलेटेड ब्लॉग। अपने की शुरुआत की ब्लॉगिंग टेंशन भरी दास्तान के साथ स्टार्ट हो रही है। टेंशन मतलब डिलीवरी का टेंशन लोग को होता ही होता है। हमारा साथ सिचुएशन है, इसके पहले वाला ब्लॉग देखे होंगे तो पता चल ही रहा है क्या क्या घट रहा है। ऋषि का तबीयत खराब है, दोनों जो है घर में सूर्या तो रह जाता है ऐसा अपना ग्रैंड पेरेंट के साथ, बट ऋषि को थोड़ा मुश्किल होता है ऐसा। वो ऐसा ज़्यादा घुलने वाला बंदा नहीं है, वो ऐसा अभी तक खुला नहीं है उतना। बस अपना काम से काम रखता है, बाकी फिर मम्मी डैडी ही चाहिए तभी तो इसके लिए। और ऊपर से तबीयत खराब है तो ऑलरेडी फंसी हो रखा है, और उसको हम लोग ले नहीं जा सकते ओटी रूम में, चाहे जो भी है हॉस्पिटल में इमरजेंसी में नहीं ले जा सकते। वहाँ बाद में विजिट करने के लिए ले जा सकते बट अभी नहीं। तो इसके लिए आज सुबह सुबह 7:30 का हमारा सी सेक्शन का टाइम है, और अभी हम लोग 6 बजने वाला है। आधा रास्ता कवर किया, 6 बजे वहाँ हॉस्पिटल में पहुँच जाना चाहिए था। 5 मिनट लेट होते हुए पहुँच ही जाएंगे फाइनली 6:30 तक। कितना टाइम लगेगा जाने में? 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो पहुँच जाएंगे वहाँ पे जाके होपफुली कि फटाफट सब कुछ मिल जाएगा, सब खोजने में ज़्यादा टाइम ना लगे उसमें, फिर ऑन द टाइम हो जाएंगे। तो अभी जो है ऐसा ज़्यादा भाषण भी नहीं मारने का मन कर रहा है। सोच रहे हैं कि वो तो लाइफ में ऊपर नीचे होते ही रहेगा, बट ये जो मोमेंट है नहीं कैप्चर करेंगे तो फिर ऐसे ही वैसे ही रह ही जाएगा। तो इसके लिए सोचे कि चलो भाई ये सन्नाटे के साथ ही सही, बट स्टार्ट तो एटलीस्ट कर ही देते हैं ब्लॉगिंग। उसके बाद फिर बाद का बात तो देखा ही जाएगा, ऋषि क्या करता है क्या नहीं करता। फिर एक से 1.5 घंटे में ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, फिर आप तो घर चले जाइएगा। तो फिर ऋषि का अंडर कंट्रोल, फिर उतना टेंशन लेने का नहीं है। बट अभी का वही है कि उठेगा तो देखेगा कि मम्मी डैडी कोई नहीं है, तो वो सिचुएशन में कैसे काम होगा। इसके लिए धक धक लग रहा है, और हमारा तो सिर्फ हमको लग रहा है, इनको तो नहीं लग रहा। हमको ऐसा धक धक अपना ऑपरेशन का पिछला जर्नी याद आ रहा है, क्या क्या होने वाला है सब। तो चलिए पहले पहुंचते हैं हम अपना हॉस्पिटल, और वहां पे जाके अपना फाइन करते हैं किधर किधर क्या है, और जो है प्रोसेस है फटाफट प्रोसेस फॉलो करके टाइम मिलता है तो फिर बक पक कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर जैसे जैसे टाइम मिलते जाएगा रिकॉर्डिंग करते जाएंगे। हमारा ब्लॉगिंग का जर्नी आप सबके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग को हॉस्पिटल बुलाया गया था 6 बजे, बट हम लोग 6:05 यहाँ पे हो ही जाएगा पहुँचते पहुँचते 6:05 10, मतलब 5 से 10 मिनट लेट होते हुए फाइनली जो है हम लोग अपना हॉस्पिटल पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे अभी अंदर जाएंगे, इंटर करेंगे पार्किंग में और कार को कर देंगे पार्क, और फिर निकल जाएंगे आगे की ओर। तो चलिए पहले करते हैं पार्क और फिर निकलते हैं, आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए हैं हॉस्पिटल में, और अंदर चलते हैं चेक इन करते हैं किधर से किधर करने का है।
सूर्या के टाइम पूरा एक बड़ा सा ट्रॉली लेके गए थे और ये वो छोटा सा बैग, आप अपना लैपटॉप बैग ठूस ठूस के बिना मतलब कपड़ा, तो वही होता है एक्सपीरियंस भी लाइफ में जरूरी होता है। अभी हमको पता चल गया है कि यहाँ पे क्या देता है, ज्यादातर मोस्टली सामान दिल्ली देता है, तो हमको घर आने के लिए सिर्फ सामान चाहिए, तो इसके लिए शॉर्ट बैग रेडी है। हियर यहाँ पे आ गए हैं भैया, लीवर के स्पेलिंग पढ़ के ही डर लगता है। यहाँ पे अपना जैसे ही चेक इन किए, पेपर वर्क, यहाँ कहीं भी जाओ तो पेपर वर्क 10 पेज का पहले करना पड़ता है, तो यहाँ पे पेपर वर्क हो रहा है और हम लोग को जाना है वो साइड, और सी सेक्शन का उधर है, नर्स आएगी हमारी और फिर हम लोग को लेके जाएगी अंदर। तो फाइनली जो है हम लोग वॉक करते करते अपने रूम पे पहुंच गए हैं। ये है हमारा रूम, पर्सनल रूम होता है यहाँ पे, किसी कोई भी रहे सबका एक पर्सनल अपना रूम मिलता है। यहाँ पे हम लोग का रूम है, यहाँ पे ही 2 दिन या 3 दिन जितने दिन रहना पड़े यहाँ पे ही बिताने का रहता है। यहाँ पे हमारी नर्स जो है ड्रेस तैयार कर रही है हमारे लिए। यहाँ झूला बाबा मैं पहन के बाथरूम से आ गई हूँ और अपना कपड़ा जो है बैग में ठूस दूँगी क्योंकि अब इसका कुछ काम है नहीं। फिर फटाफट तैयार करके हमको जो है मशीन वशीन में जो भी फिट करना है फिट कर देगी, लगा देगी। उसके बाद फिर ओटी के लिए हमको तैयार करेगी, जो भी लगाना है इंजेक्शन सुई सब दे के दवाई खिला के। तो उसके बीच में मैं सोची कि चलो भैया अपना टम्मी का थोड़ा सा दिखाते हुए फ़ोटो तो खींच ही लूँ, ये लास्ट बेबी है तो उसके लिए, अगर पहले का नहीं भी है ऐसे तो है, अगर नहीं भी रहे तो लास्ट का मेमोरी रहना ज़रूरी है। यहाँ पे बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से हमारा है, देख सकते हैं रोड का व्यू, रूम से बैठे बैठे ले रहे हैं मज़ा। और एक्शन का एक अच्छी बात होती है ना कि जो पहले जो है ना आपको बहुत इंजॉय करके सब कुछ फ़ोटो खिंचवाओ जो भी है, प्यू पेन तो होता नहीं है, थोड़ी बहुत इंजेक्शन वगैरह जो भी IVF लगता है उसमें थोड़ी बहुत ही तकलीफ़ होती है, ज़्यादा होती नहीं है। सी सेक्शन में बाद में पता चलती है जब चलने की बारी आती है, तो अभी तो मतलब कुछ हमको ऐसा है नहीं, मज़ा कर रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं अपना ये जर्नी, अभी कुछ नहीं है। ओटी के लिए तैयार किया जा रहा है, यहाँ पे बेबी मॉनिटर किया जा रहा है, क्या है क्या स्थिति है सो। यहाँ पे हमको पानी वानी सब चढ़ रहा है, जो भी मेडिसिन खिलाना था वो खिला चुकी। और यहाँ पे हम अपने हस्बैंड को फ़ोन धरा दिए कि चलिए रिकॉर्डिंग कीजिए, थोड़ा सा मेरा लेते हुए पूरा रूम से बाहर का सीनरी के रील्स के लिए बोले थे, तो ये मेरा मुंह पे ही ला के जो है कैमरा स्टॉप कर दिए। तो यहाँ पे मैं चिल्लाते हुए कि नहीं भाई मेरा मुंह का नहीं लेना है, आगे बढ़िए मेरा मुंह से हटा के, इतना भी खूबसूरत नहीं है, और आगे का व्यू दिखाने के चक्कर में खाली टाइम दिखाए। 7 बज गया है, 8:30 का हमारा ओटी में जाने का है, मतलब सी सेक्शन का टाइम है 8:30, तो यहाँ पे अभी 7 बज गई है। उसके बाद फिर वेट करना है आधे घंटे, वेट किया मतलब नर्स हमेशा आगे पीछे, कभी दवाई खिलाना कभी ये कभी वो, हमेशा चल रहा है मॉनिटरिंग वगैरह, कभी सॉक्स पहनाना कभी ये मशीन लगाना, तो वो सब चल रहा है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे तब तक कभी फ़ोटो वीडियो ये सब का सेशन चल रहा है। बट तो अभी जो है हमारा जितना भी लगना था सब कुछ लगभग गया है, सब हाथ पैर सब बंद गया है, देख सकते हैं 7:30 का टाइम है, अभी 15 मिनट और है जाने के लिए ओटी रूम में। सब कुछ यहाँ पे रेडी है, एंथेसिया वगैरह भी नहीं पड़ा है, वो वहाँ ही जाके पड़ता है राइट, ओटी में ही है, हाँ ओटी में ही जाके पड़ता है, वो तो इतना असरदार दवाई रहता है डालते के साथ एकदम सुना हो जाता है। देखिए बिंदास बंदा जो कोई फिकर नहीं है, सिर्फ बाप कहलाने के लिए रेडी है, मस्त खिड़की पे खड़ा होकर व्यू का मजा ले रहे हैं। बिंदास बंदा है, बिंदास है तो और क्या, खिड़की पे खड़ा होकर मजा ले रहे हैं। यहाँ हमारा हद सी सेक्शन का हमको उतना डर नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी 2 हो चुका है और हमको पता है कब क्या, कब डरना है, कब पेन होता है, कब क्या होता है, तो सब पता है, एक्सपीरियंस है, तो हम तो बिंदास हैं। पर थोड़ी सी घर को लेके जो है टेंशन है, बच्चे लोग बीमार है इसके लिए, अदरवाइज सब कुछ
नॉर्मल चल रहा है, हमको अपना प्रॉब्लम से उतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि सी सेक्शन में एक ही बार पेन होता है जब पहला कदम आपको रखना होगा ज़मीन पे, अदरवाइज सब कुछ ठीक ही चलता है, ठीक ठाक चलता है। तो फाइनली जो है ओटी में जाने के लिए रेडी हो, हम तो रेडी पहले से ही हो गए थे, अभी महाराज जी को कपड़ा मिला है, रेडी हो रहे हैं। अंदर जाने के लिए जो है आपको फुली रेडी होना पड़ता है, सब लोग जो डॉक्टर देगा वहाँ का कपड़ा वही पहन के जाना होता है, फुली एकदम ड्रेसअप होके। तो यहाँ पे हमको मस्ती से लेके जाते हुए फ्री का ट्रिप लेके यहाँ पे जो है बकरी हलाल होने के लिए जा रही है ओटी रूम में। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है सिर्फ वहाँ फ़ोटो लेना अलाउ था, सी सेक्शन का वीडियो मना था लेना, इसके लिए नहीं ले पाए। यहाँ पे फाइनली जो है बेबी आ चुका है, बोली थी कि बेबी आएगा तभी आप पिक्चर फ़ोटो ले सकते हैं, सी सेक्शन जब हो रहा होगा तो उस प्रोसेस का नहीं, तो बस फ़ोटो एक दो लिए और फिर उसके बाद जब बेबी आ गया तो बेबी का हम लोग प्रोसेस का कैप्चर किए। तो बेबी को जो है वो लोग निकालने के बाद जो प्रोसेस होता है प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या कर रही है वो, बच्चे लोग को निकालने के बाद जो है ड्रॉप वगैरह डालना, उसका चेक करना। जब यहाँ पे बच्चे को लेके आई थी तब हमारा प्रोसेस चल ही रहा था, हमारा स्टिचिंग वगैरह का सब कुछ चल रहा था, यहाँ पे ख़त्म हो गया है और सीधे जो है आपको ओटी रूम से अपना रूम में शिफ्ट कर देते हैं लोग। तो वहाँ भी जो है मैं अपना रूम में जा रही हूँ जहाँ पे पहले थी। तो चलिए जी, फाइनली जो है हमारा ऑपरेशन डन, सब कुछ डन हो गया, बेबी भी अभी सब कुछ उसका हो गया है, उसका हमेशा हर आधे आधे घंटे पर टेम्परेचर नापा जा रहा है, हुआ था तो ठंडा था थोड़ा तो इसके लिए, और फिर उसको फीडिंग करवाने के लिए बोली कि फीडिंग करवाओ, फिर फीडिंग करवा लिए, और अभी हमारा नशीला चेहरा देख के दिख रहा होगा क्या फील हो रहा है अभी, अभी बस मुझे सोना, अभी खाना पीना कुछ नहीं खाया है, डॉक्टर बोल दिए कि आप खा सकते हो बट फिर भी मेरे को इतनी नींद आ रही है कि मैं सोची कि चलो एक कॉफ़ी पी ली हूँ, उससे अच्छा है कि सो जाती हूँ, सोने के बाद जो है उठेंगे तो देखेंगे, कुछ ऑर्डर करेंगे तो करेंगे। तो अभी का अपडेट यही सब है, बेबी इज़ फाइन, हम भी अभी तो ठीक है, अभी तो चलना फिरना है नहीं, नीचे कमर से नीचे तो पता ही नहीं है कि मेरा पैर भी है या नहीं, लेटे हुए हैं और सब कुछ अभी माप तौल चल रहा है, देख सकते हैं हमारा हाथ, लुक एट दैट, मेडिसिन वगैरह ले लिए हैं खा लिए हैं, तो अभी सोते हैं और आगे का अपडेट उठने के बाद देते हैं। अभी सब कुछ ठीक है, सब कुछ नर्स हर 15 मिनट पे आ रही है, मेरे को देख रही है, फिर बेबी को देख रही है, बेबी अभी सो रहा है, अभी फीड करवाएंगे, नेक्स्ट फीडिंग जो है उसका टाइम देखे गई है 12:30 में है, तो पहले, और मेरे हस्बैंड घर उनको भेजे
क्योंकि हमारा ध्यान जो है घर पे ज्यादा है यहाँ से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे हजारों लोग है टेक केयर करने वाले हमें और बच्चे को। घर में जो है ऋषि ऐसे है मदर इन लॉ वगैरह भी, उन लोग भी टेक केयर कर रहे हैं अच्छे से, और बच्चे को होता है ना जो फंसी होता है तो उसको माँ बाप ही चाहिए। तो इसके लिए बोले कि नहीं आप जाओ घर पे, बच्चा अगर घर से फोन आएगा वो लोग खुश है ना तो हम यहाँ मजे से रहेंगे, अगर वो लोग रो रहा है क्रैंकी है तो मेरे को भी यहाँ मन नहीं लगेगा। तो इसके लिए उनको भेज दिए घर पे। वो घर पे गए हैं, कुछ खाना पीना लाना होगा तो लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ का मेन्यू में वही सब होता है फ्राई व्राई चीज, जो कि अगर ऑपरेशन के बाद गैस वाली प्रॉब्लम होती है ना तो एकदम अलग लेवल का पेन होता है, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं अपना घर का सिंपल सा सादा खाना चाहती हूँ, तो लेके आएंगे। और बच्चे ऋषि का तबीयत खराब है तो इसके न्यू बॉर्न से उसको दूर ही रख रहे हैं। सूर्या का अगर जीत करेगा, सूर्या बहुत ही खुश है, वो उसको आना है बेबी को देखना है, तो अगर ऋषि सो जाता है दोपहर में तो फिर हो सकता है मेरे हस्बैंड और सूर्या आएगा। अगर सूर्या आएगा तो उसका तो रिएक्शन कैप्चर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भैया फोन पे इतना उछल रहा है, फोन पे इतना उछल रहा है, इतना खुश हो रहा है, उसका मैं खुशी का बयान हम खुश है। सूर्यांशु देख के बोल रहा है मेरी तरह है, तो वो और खुश हो रहा है कि वाह मेरी तरह दिखता है, लुक लाइक्स मी, तो उसका कैप्चर करेंगे। तो पहले सो लेते हैं बिना सीला चेहरा लेके, क्या भाषण मार रहा है। सोचा कि चलो अपडेट देते हैं, अगर सो जाएंगे तो फिर भूल जाएंगे अपडेट देना। तो चलिए गाइज पहले सोते हैं, फिर उठ के मिलते हैं क्या हमारी हालत होती है। अभी तक तो सब कुछ ठीक है, अभी तो पेन वाला ऑपरेशन के टाइम में ही जो भी थोड़ा बहुत पेन होता है वही अभी सहे हैं। अभी आफ्टर जब चलने के लिए बोलेगी ना तो असली मजा वहां पे होती है, पहला जो कदम होता है ना वो रखना बहुत ही लेंगे ना। तो चलिए पहले सो लेते हैं, फिर आधे घंटे में आएगी तो जगना ही पड़ेगा, तो आधे घंटे एटलीस्ट नींद ले सकते हैं। चलिए होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पे जो है नर्स हर आधे घंटे पे आके बेबी का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, फिर उसका टेस्ट हर आधे घंटे पे ब्लड लेके जाती है। उन लोग के बॉडी में पता नहीं क्या ग्लूकोज लेवल टेस्ट करते रहती है। बेचारा का पैर एकदम इतना 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 ब्लड लेती है ना कि मतलब बैन ही लगा दिखता है पैर में न्यू बॉर्न के बेबी के। आधे घंटे नैप लेने के बाद अभी जस्ट क्रैकर खा रहे हैं, और पानी पीने के लिए बोली है इसके लिए कि पानी पीते रहो, इसके लिए क्रैकर खा के जब पानी पी रहे हैं। फर्स्ट मील हमारा यही रहा अभी का, कॉफी पिए थे और अभी बिस्किट खा लो, और कैफेटेरिया से ऑर्डर करने का है, बट सब मुझे ऐसा लग रहा है कि सब गैसी थिंग्स ही हैं, आलू फ्रेंच फ्राई हैमबर्गर, सैलेड मंगवा सकते हैं, फ्रूट मंगवा सकते हैं, तो उसका मूड नहीं है, तो इसके लिए अभी इग्नोर कर रहे हैं। देखते हैं कि घर से कुछ लेके आएंगे, खिचड़ी चाय रोटी कुछ भी जो भी है तो खा के आराम से और रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ का मेन्यू देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो खाएंगे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गैस वैस का, जो कि हम भूखा रहना पसंद करें। गैस का मेरे को सूर्यांशु के टाइम पे हो चुका है, इतना पेनफुल होता है कि उससे अच्छा मैं दो दिन भूखा रह जाऊं। तो इसके लिए अभी जस्ट पानी पीने के लिए वही डॉक्टर जो है एक मिल्क और क्रैकर दे गए थे, सोचे चलो एक खा लेते हैं, टेस्ट तो नहीं लग रहा बट फिर भी खा रहे हैं। चेयर मिलते हैं नेक्स्ट। सी सेक्शन के बाद देख सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आप चाहो कि जगना है मुझे बट जग नहीं पाता है लोग, क्योंकि इतनी नींद आती है कि आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। बच्चे को ऐसा स्किन टू स्किन देने के लिए बोल रही थी, स्किन टू स्किन देते ही हम सो जा रहे थे, फिर अचानक से ऐसा सडनली नींद उठ रहा है भैया बच्चे को उठना रहे, बट वो लोग इतना पता होगा कैसे खिलाता अच्छे से गिरा मत दीजिए। नहीं अच्छी होती है कि हर 10 मिनट पे 5 मिनट पे आके देखते रहेगी, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो पूछती भी है कि हम बच्चे को नर्सरी एरिया में ले जाते हैं आप आराम करो सो। तो एक बार लेके भी गई थी तो मैं आराम से 2 घंटे तक सोई थी। यहाँ पे मेरा आई डॉक्टर बोले कि तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल जो है थोड़ा कम जा रहा है जब सो जा रही हो, तो बोले कि सजेस्ट की कि चलो ऑक्सीजन लगा देते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हमको ऑक्सीजन पे रखी थी, मतलब लगा दी थी, उतना मतलब ज़रूरी नहीं था, जब सो रहे थे ना तब थोड़ा सा कम दिखा रहा था। यहाँ पे खाना ऑर्डर किए थे तो मैं तो फ्रूट खा रही हूँ, जो भी बाकी ऑर्डर किए थे थोड़ा बहुत सामान तो वो हस्बैंड को खिला दिए, और मैं यहाँ पे फ्रूट वगैरह खा के फिर नींद के लिए जाएंगे। यहाँ पे बेबी जो है मेरा साइड में ही है, और हर बार नर्स आके पूछती है यहाँ पे कि आप बच्चे
साथ में रखना चाहते हो तो रखो, नहीं तो अगर आपको आराम से सोना है तो हम इसको लेके जाते हैं। वो लोग नर्सरी एरिया में बच्चे को ले जाती है, आपको जितना देर रखवाना है उतना देर वो बच्चे को टेक केयर करेगी। जब आपको चाहिए तो आप उसको सिर्फ बटन दबाना होता है, बुला के आप मंगवा सकते हो जब फीड करवाना हो तो, नहीं तो फिर फार्मूला पे भी आपका बेबी को जो है वो लोग अच्छे से टेक केयर करती है। तो यहाँ वो सब का प्रॉब्लम होता नहीं है, बस आप अपने ही सिक्योर के लिए कि नहीं मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पर आपको फुल्ली मस्त आपका फैमिली रहे ना रहे आपको सर्विस बहुत ही अच्छी मिलती है। ताकि आपको जो है आपको फुल अपना बॉडी पे ध्यान देना है, दूसरे पे ध्यान देने का आपको ज़रूरत ही नहीं है। फैमिली है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, मतलब यहाँ पे आपको उतना फैमिली की कमी जो है हॉस्पिटल में ज़रूरी नहीं, मतलब लगता है कि नहीं है तो इतना नहीं है कि अरे फैमिली नहीं है तो कैसे होगा, सब मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे जो है अभी रात के 10 बज गए हैं, हमारा 8:20 में जो है ऑपरेशन ख़त्म हो गया था। तो अभी जो है फर्स्ट वॉक के लिए मेरे को बोल रही है कि स्टैंड अप होकर देखते हैं हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं देखिए। बट ये हमारा फर्स्ट स्टैंडिंग का जो प्रोसेस होता है, खड़ा हो पाते हैं कि नहीं, खड़ा होने पे भी पिलो होता है तो फिर नहीं चलवाती है, रहने देती, फिर कल चलाएगी। बट अभी पहले खड़ा होकर देखते हैं हमारा कैसा सिचुएशन है, अगर अच्छा रहेगा थोड़ा देर वॉक कर लेंगे कदम कदम करके, नहीं रहेगा तो फिर कल करवाएगी। तो लेट्स सी, 10 बजे जो है हमारा पहला वॉक हो रहा है, बच्चा यहाँ मस्त अपना, इसका भी हमेशा ग्लूकोज वगैरह जो भी टेस्ट होना होता है हर बार टेस्ट हो रहा है, इंजेक्शन पड़ रहा है। अभी मस्त वेटर वेटर करके फीडिंग करवा दी हूँ इसको, सो रहा है। फिर हमारा भी वॉक अगर कर लेते हैं तो हम भी आराम से नींद से सो सकते हैं। तो रात में जो है हम पहला वॉक लिए थे, उसमें जो है हमको नर्स हेल्प की थी खड़ा होने में, तो मैं रात में ही जो है खुद से उठ के, मतलब नर्स थोड़ा सा हेल्प की थी तो खुद से 4-5 कदम चल के बाथरूम गई थी खुद से। और सुबह में जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लिप जो है सुबह का है, मैं वॉकिंग के लिए डाली थी कि इसका डालना बनता है क्योंकि रात में कर नहीं पाए थे, वो लोग आई तो फटाफट खड़ा करवा के चलवा के 4-5 कदम, फिर बोली कि अब आराम कर लो। तो ये सुबह का क्लिप है, सुबह वो लोग नहीं आई थी, मेरा नींद खुला तो मैं सोची खुद से ट्राई करती हूँ। तो मैं खुद से उठ के यहाँ पे देख सकते हैं मैं स्लोली स्लोली जो है 10 मिनट का वॉक लिया। वॉकिंग जो है ना सी सेक्शन में इतना हेल्प करता है, जो लोग बोलते हैं कि नहीं सी सेक्शन हुआ है उतरो मत, सी सेक्शन हुआ है चलो मत, तो ये बहुत ही गलत अफवाह है। चलने से जो है बहुत ही अच्छा फील होता है। यहाँ पर मैं आपको लग रहा होगा कि पता नहीं 4 दिन हो गया कि 5 दिन, ये मेरा सी सेक्शन का 2रा दिन का क्लिप है जो कि मैं खुद से वॉक कर रही हूँ बिना एनी सपोर्ट के, कोई भी मेरे को उठाया उन्हें नहीं आया था, मैं खुद से जो है उठ के और वॉक कर रही हूँ। इसमें ये रही हमारी सी सेक्शन की ये डिलीवरी स्टोरी। तो चलिए इस ब्लॉग को डिलीवरी लेवर एंड डिलीवरी ब्लॉग यहाँ पे ही आज की रात स्टॉप करते हैं और कल मिलते हैं, कल दूसरे हॉस्पिटल में हमारा 2रा दिन कैसा होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। आज पहला दिन डन हो गया, होपफुली आप सब आज का हमारा ये ब्लॉग इंजॉय करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग।